हूँ। मैं गुजारिश करना डॉक्टर वकार अली शाह साहब से कि वो तशरीफ़ लियाँ। जनाब डॉक्टर वकार अली शाह साहब पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इन्हों का उनवान है हिंदकोवान क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी। हूँ देखना ये हिंदको पढ़ दें कि अंग्रेजी पढ़ दें। बार डॉक्टर साहब देख लें। डॉक्टर वकार अली शाह साहब रहमान रहीम इधर इनको दा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी साढ़े वास्ते फखर ते एजाज़ की गल है। बड़ा अच्छा होंदा कि अगर सानू भी टाइम से इनफॉर्म हो जाता कि ये गल इनको ही ची करिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट कन्वेड एट द राइट टाइम, so I have prepared my presentation in English, so I really do apologize for that, but I will try to be as simple in my expression as possible and as brief as well, so please do forgive me, but I will take very little time of yours. Bismillah rahman rahim. Hinkowan quest for identity. The abstract of the paper runs as: Hinkowans are one well-known and second largest section of our province. They have always played important role in the socio-political environment of the province as well as the country. The irony, however, is that we do not find their due reference in our day-to-day affairs. And to add fuel to the fire, we do see the other neighboring majority communities referred with all pomp and show. There are a number of other deprivations that made some learned and competent people among the Hinkowans to come to lead and take pains for guiding the masses. In this paper, we will try to look into the details of the origin and some cultural distinctions of the community. We will also make an effort to look into the details of challenges the community confronts today. And what will be the safe and decent way to counter those challenges? In the end, recommendations will also be made to address the issue at the right time before it turns unwieldy. Peshawar Valley and rest of KP, due to its geophysical and strategic location, was a land of opportunities for mankind in general and the people of Afghanistan and its environs in particular. Throughout its history and even today, it acted as a hub of socio-cultural, economic, political, and even religio-philosophical activities in and around India. Okay, so I think अच्छा जयउद्दीन साहब का कहना है कि जी इसनों इनक्वायरी ची करो। थोड़ी जी जनरल इस ते डिस्कस कर लेने कि पिशोर दे जिहड़े साड़ी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उस दे हवाले से अगर असी देखिए तो ये बड़ा सेंट्रली लोकेटेड एरिया है। लेकिन इस नाल मिसहैप ये होया कि इधर जिहड़े बारसी आने वाले लोग ने उन्होंने तो मतलब पीरियोडिक उन्होंने इधर मूवमेंट चलती रही है उसकी वजह से वो तो इधर मेजोरिटी हासिल कर ली थी उन्होंने। तो ये जड़े बेसिक जड़े इधर के लोग वो माइनॉरिटी कन्वर्ट हो गए। तो उसकी वजह से करके इधर की जड़ी अपनी आइडेंटिटी इधर की जड़ी अपनी कल्चर है इधर की अपनी कल्चर वो उसके शैडो आ गई है। उस शैडो की वजह से करके अज बहुत सारे सानू उन्हां दी आइडेंटिटी दे अंदर मसाइल पेश आ रहे हैं। अज सानू इस चीज़ की जरूरत एक बिलेटेड स्टेज पर महसूस हो रही है कि साड़ी अपनी आइडेंटिटी होवे साड़े अपने फोरम होवन असी किधर जाके अपने आप नू अपने ख्यालात दा इजहार कर सकीए अपने पहचान करवा सकीए साड़ी रिकग्निशन होवे।
मतलब इधर असी देखने कि जड़ा मेजोरिटी पॉपुलेशन होंदी है वो माइनॉरिटी नू डोमिनेट कर लेंदी है। साडे इधर भी यही मसला रही है कि जड़ी मेजोरिटी है उसने माइनॉरिटी नू अपने तले बिल्कुल कवर करके रखा है तो उन्होंने एक्सप्रेशन नहीं मिल सक रहा। यही हाल कल्चर के नाल भी होया, यही हाल लैंग्वेज नाल भी होया। मेरा इस पेपर के अंदर जड़ी कोशिश है वो ये वे कि साडे कल्चरल ट्रेट्स के आए तो उन्होंने ट्रेट्स नू असी किस तरह एक्सप्रेस करने से रह गए, या साडे लिंग्विस्टिक ट्रेट्स के आए, साडी लिंग्विस्ट साडी लैंग्वेज दी जड़ी खूबसूरतियाँ, जड़ी उसकी हिस्ट्री, जड़ा उसका रिकॉर्ड है, वो सारे का सारा वो साडे से रह गया। उसको रिवाइव करने वास्ते उसकी वर्थ के वे वो कितनी इंपॉर्टेंट रही है अपने पीरियड के अंदर, उसने केड़ा हिस्टोरिकल रोल प्ले किया है, जड़ा इधर जितना वड़ा लिटरेचर डिवेलप होया है, जितने इधर आके आर्यंस ने अगर काम किया है उस बारे में इस अंदर थोड़ी जी अटैम्प्ट की है कि वह केड़ा बैकग्राउंड आया, आर्यंस ने के काम किया है। इधर गंधारा सिविलाइजेशन बड़ी ठीक ठाक डिवेलप हुई है, लेकिन उस सब के उत्ते हिंदको का इस लोकल कम्युनिटी का बहुत वड़ा एहसान है, इन्हों की बहुत वड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वह कंट्रीब्यूशन जी है उसको प्रॉपरली सारे रिकगनाइज नहीं किया गया। इस अंदर थोड़ी जी रिकमेंडेशंस भी ने कि अखीर रिकमेंडेशंस के पार्ट से आ जाने तो रिकमेंडेशंस के अंदर एक तो यह कि गवर्नमेंट नू इस ते भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, गवर्नमेंट की तवज्जो की जरूरत है कि इस लैंग्वेज ते कल्चर नू प्रमोट करने वास्ते अगे आवे, मजीद एफर्ट्स होवन। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जी इधर जिक्र हो भी गया, मेरी भी रिकमेंडेशन चाहिए कि इसको पीरियोडिकल फीचर बढ़ाया जाए, जिस तरह पहली दूसरी तीसरी कॉन्फ्रेंस इस अंदर काफ़ी गैप सानू नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त एहसास हो रहा है कि इंशाल्लाह ये रेगुलर फीचर बन जासी, तो ये भी मेरी रिकमेंडेशन का एक हिस्सा आया। नंबर चार, द गवर्नमेंट शुड लुक इन टू द केस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट हिंदको डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हिंदको डिपार्टमेंट होने की जरूरत है। देयर शुड बी हिंदको एज अ सब्जेक्ट एट स्कूल लेवल इन KP एंड नंबर सिक्स है मोर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज टू बी प्रोवाइडेड एंड यंग स्टूडेंट्स बी इनकरेज टू एक्सप्लोर द हिडन पास्ट ऑफ द कम्युनिटी। ये थोड़ी जी रिकमेंडेशंस ने, इंशाल्लाह इसका डिटेल उम्मीद है कि ये पब्लिश जिस वक्त हो सी तो प्रोवाइड हो जाएगी, मेरी थोड़ी जी एफर्ट है, इंशाल्लाह देख सी। थैंक यू सर, धन्यवाद।